हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में देखेंगे आप पार्ट नंबर 40 और इससे पहले के वीडियोस पार्ट 39 तक के वीडियोस मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। और अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे UPNHM NM स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2020 का लिंक है, वो उस पर क्लिक करके सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। और आप दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे UPNHM NM एग्ज़ाम 2020 के नाम से एक फोल्डर है जिसमें कि सारे वीडियोस आप देख सकते हैं जो आपने नहीं देखे हैं। तो फ्रेंड्स ये है पार्ट नंबर 40 और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और शेयर। तो फ्रेंड्स इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में पार्ट नंबर 14 में हम देखेंगे कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स ये हैं आपके हैंड रिटन नोट्स और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मिडवाइफरी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला फैक्ट्स, गर्भाशय यानी यूट्रस की लंबाई क्या होती है। तो ये लंबाई 6.5 से 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। यूट्रस की लंबाई 6.5 से 7 सेंटीमीटर होती है। तो ये हो गया आपका पहला फैक्ट एंड सेकंड देखेंगे हम ओवम के डेवलपमेंट को ओजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ओवम यानी अंडाण के विकास को प्रक्रिया जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ओजेनेसिस कहते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्पर्म यानी शुक्राणु का ओवम अंडाणु के साथ, स्पर्म का ओवम के साथ फ्यूजन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यानी शुक्राणु का अंडाणु के साथ मिलना और उसका फ्यूजन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहलाता है। नेक्स्ट फैक्ट हम देखेंगे कि प्रेग्नेंट यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डेसिडुआ। यहाँ पे प्रेग्नेंट यूट्रस का मतलब है कि जिस यूट्रस में क्या है, कोई फीटस पल रहा है यानी प्रेग्नेंट कोई महिला है उसके यूट्रस की बात यहाँ पे की जा रही है। तो जो इसकी एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको डेसिडुआ कहते हैं, ओके। नेक्स्ट फैक्ट हम देखेंगे एमनियोटिक फ्लूड के बारे में, एमनियोटिक फ्लूड क्या होता है, स्वभाव में क्या होता है, उसका नेचर कैसा होता है। एमनियोटिक फ्लूड का, एमनियोटिक द्रव का, वो अल्कलाइन होता है, ओके। अल्कलाइन नेचर का एमनियोटिक फ्लूड होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हरे रंग का एमनियोटिक फ्लूड मेकोनियम के कारण होता है। मेकोनियम क्या होता है, मेकोनियम किसी बच्चे की क्या होती है, फर्स्ट लचिन को क्या कहते हैं, मेकोनियम कहते हैं। तो जो उसका एमनियोटिक फ्लूड जो होता है तो उसका अगर हरा रंग है तो क्या होता है, वो मेकोनियम के कारण होता है। एंड नेक्स्ट फैक्ट हमारा एमनियोटिक द्रव का मुख्य कार्य, नेक्स्ट फैक्ट हमारा है ये। और एमनियोटिक फ्लूड जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, क्या है, उसके फीटस की रक्षा करना यानी गर्भ की रक्षा करना है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका होना चाहिए, हाँ ये होना चाहिए आपका, गर्भ होना चाहिए यानी कि फीटस होना चाहिए। एमनियोटिक फ्लूड का काम क्या है, फीटस की रक्षा करना। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड का अन्य नाम क्या है, एक फ्यूनिस है। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड यानी गर्भनाल नाम, गर्भनाल का दूसरा नाम क्या हो सकता है, क्या है। तो उसमें आपको चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं और उसमें चार ऑप्शंस में से क्या होगा, एक ऑप्शंस होगा आपका फ्यूनिस, ओके। तो फ्यूनिस ही आपका आंसर होगा अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्भनाल का दूसरा नाम क्या है, अन्य नाम क्या है, ओके। एंड नेक्स्ट हमारा है पूर्ण अवधि पर भ्रूण का वजन कितना होता है। तो पूर्ण अवधि यानी कि जो आपकी
मैच्योर प्रेगनेंसी पीरियड होता है, ओके, पूरे 9 महीने पूरे हो जाते हैं। तो उसके बाद अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो जो फीटस होता है तो उसका क्या टोटल वेट क्या होगा, वो होगा आपका 2.5 kg से 3.5 kg, ओके। तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वजन कितना होता है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है नॉन फैक्ट्स आपका, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वजन कितना होता है, तो 60 ग्राम होता है। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स यही क्वेश्चन नहीं, आपके जितने भी फैक्ट्स दिए हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वन लाइनर फैक्ट्स हैं। तो ये क्या है कि सारे कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ओके। तो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस यानी जो महिला कभी गर्भवती नहीं हुई, कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो उसका यूट्रस का वजन कितना होगा। उसका वजन होगा 60 ग्राम होगा, 60 ग्राम होगा, यानी नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का बात करी जा रही है यहाँ पे, उसका वजन होगा 60 ग्राम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और यहाँ पे देखेंगे आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नेक्स्ट है, एक स्वस्थ महिला का गर्भकाल में वजन कितना बढ़ता है। तो 11 किलोग्राम से 12 केजी तक का वजन वेट बढ़ता है। तो एक स्वस्थ महिला का प्रेगनेंसी पीरियड में वजन 11 किलोग्राम से 12 किलोग्राम तक का बढ़ता है। एंड नेक्स्ट फैक्ट हम देखेंगे, गर्भावस्था में आयरन की ज़रूरत कितनी होती है। तो प्रेगनेंसी पीरियड में आयरन की ज़रूरत होती है 1000 मिलीग्राम प्रति दिन, यानी प्रतिदिन होती है। प्रेगनेंसी पीरियड में आयरन की ज़रूरत कितनी होती है, 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्ट है आपका, गर्भस्थ शिशु की हलचल, यूट्रस के ऊपर हाथ रखकर कब महसूस की जा सकती है, ओके। तो जो गर्भस्थ शिशु है उसकी हलचल यानी मूवमेंट गर्भाशय के ऊपर हाथ रखकर किस पीरियड में कब महसूस की जा सकती है। तो ये 20वें सप्ताह में, ये 20वें सप्ताह में महसूस की जा सकती है, ओके। एंड नेक्स्ट फैक्ट हम देखेंगे, भ्रूण का जो हिस्सा गर्भाशय के नीचे भाग में आता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसे प्रेजेंटेशन कहते हैं, ओके। फ्यूटस का जो हिस्सा गर्भाशय के नीचे भाग में आता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रेजेंटेशन कहते हैं, ओके। एंड हम नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, कब किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस एक टेस्ट होता है, इसको कब किया जाता है, ये प्रेगनेंसी के 14वें से 16वें सप्ताह में करना चाहिए। एमनियोसेंटेसिस कब करना चाहिए, प्रेगनेंसी के 14वें से 16वें सप्ताह में करना चाहिए। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे, नॉर्मल लेबर को क्या कहते हैं, नॉर्मल लेबर को यूटोसिया कहते हैं, ओके। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपका, जो नॉर्मल लेबर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको यूटोसिया कहते हैं। एंड नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, अब नॉर्मल लेबर को क्या कहते हैं, यानी कि जो पहले बात करी जा रही सामान्य प्रसव को क्या कहते हैं, यूटोसिया कहते हैं। एंड सेकेंड है हमारा फैक्ट उसी से रिलेटेड, अब नॉर्मल लेबर को यानी कि असामान्य प्रसव को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्टोसिया कहते हैं, ओके। इसको क्या कहते हैं, डिस्टोसिया कहते हैं, नॉर्मल लेबर को, नॉर्मल लेबर को यूटोसिया कहते हैं। एंड नेक्स्ट फैक्ट है हमारा कि जब यूट्रस एक तरफ पूरा मुड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, जब यूट्रस एक तरफ पूरा मुड़ जाता है तो उसे कहते हैं इन्वर्शन ऑफ यूट्रस, ओके। जब यूट्रस एक तरफ पूरा मुड़ जाता है उसे इन्वर्शन ऑफ यूट्रस कहते हैं, ओके।
तो फ्रेंड्स ये आपका रहा पार्ट नंबर 40। ओके, और पार्ट नंबर 40 से पहले 39 वीडियोस अपलोड किए हैं मैंने, और ये वीडियोस है क्या है, ये आपके टॉप मिडवाइफरी फैक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और थोड़ा इसके जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें क्या होगा, मिडवाइफरी का पोर्शंस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं उसके क्वेश्चंस, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कई सारे मिडवाइफरी के क्वेश्चंस के वीडियोस अपलोड किए हैं। और आपको वीडियोस मिलेंगे एग्जाम तक, अभी कुछ टाइम नहीं मिलने की वजह से कुछ वीडियोस में थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट जल्दी कोशिश करूँगा मैं आपको जल्दी जल्दी वीडियो हर दिन मिले। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ओके, आप लाइक ज़रूर करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।